आज एक पोस्टर निकला है कंगना रनौत, उन्होंने एक पोस्टर निकाला है और उस पोस्टर में से जयराम ठाकुर गायब है। ना केवल जयराम ठाकुर, कंगना रनौत ने तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको भी अपने पोस्टर में जगह देना उचित नहीं समझी। जो कपिल शर्मा शो है आजकल, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप कंगना रनौत जी की जनसभाओं में चले जाओ, वही काफी मनोरंजन कर रही है। कपिल शर्मा जी का शो देखने की जरूरत नहीं है। वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और कंगना रनौत को तो जयराम जी लेके क्यों आए राजनीति में? वास्तव में आपने देखा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको इनके केंद्रीय कमान ने चुनाव में खड़ा किया और यहां से जयराम जी का भी नाम चल रहा था। तो जब जयराम जी को लगा कि यहां से विक्रमादित्य कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो घबराए। और दूसरी बात यह होता है कि इंसान को अपने कर्म जो है वो भी कुछ उठते हैं। उनको पता था कि हिमाचल प्रदेश के डिजास्टर के दौरान उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने डर के मारे खुद को बचाने के लिए कि मुझे लोकसभा का इलेक्शन ना लड़ना पड़े, कंगना रनौत को आगे किया। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई? आज बड़ी सबसे ज्यादा विचित्र स्थिति अगर आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में किसी की है, तो मैं समझता हूँ वो जयराम ठाकुर जी की है। आज एक पोस्टर निकला है कंगना रनौत, उन्होंने एक पोस्टर निकाला है और उस पोस्टर में से जयराम ठाकुर गायब है। ऊपर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीचे कंगना रनौत। तो अब स्थिति यह बनती जा रही है धीरे धीरे कि जयराम ठाकुर सीन से बाहर होते जा रहे हैं। ना केवल जयराम ठाकुर, कंगना रनौत ने तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको भी अपने पोस्टर में जगह देना उचित नहीं समझी। और कंगना रनौत का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो बातें हैं, वो इस तरीके की हैं कि हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को वो मुसीबत में डालने वाली हैं, मुश्किल में डालने वाली हैं। उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जो कपिल शर्मा शो है आजकल, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप कंगना रनौत जी की जनसभाओं में चले जाओ, वही काफी मनोरंजन कर रही है। कपिल शर्मा जी का शो देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके की ये बातें करती हैं, हिमाचल के ना इनको इतिहास का पता है, हिमाचल तो छोड़िए, इनको देश का इतिहास का पता नहीं है, हिमाचल की ज्योग्राफी पता नहीं है। जाहू और भामड़ा का डिस्टेंस बोलती हैं, ये जाहू है, वो ये, यहाँ से हॉस्पिटल जितना आपका है इतना जाहू और भामड़ा का डिस्टेंस है। तो उनको अपने घर से जाहू का डिस्टेंस पता नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ना वो हिमाचल में रही है, बचपन में हिमाचल से यहाँ से घर से चली गई थी, वो हिमाचल में रही नहीं है। वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह ये लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश आई हैं।